दोस्तों कोकिला बन जा रहे थे और काफी थक गए अब हम, तो यहाँ पर मेरे दोस्त वरुण और शानू बोले थे भाई रुक जा अब मैं थक चुका हूँ, तो अभी हमने रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रोड पे खड़े हो गए हैं। तो अब नज़ारा देखिए, अभी हम यमुना एक्सप्रेस वे पे हैं और कुछ इस तरह का रोड है, कुछ इस तरह का व्यू है। चलिए यहाँ पर थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद अपना फिर से सफर को जारी करते हैं। पहले यार मंदिर है। हाँ भाई तो सारा खर्चा तू देखेगा, क्या बोल रहा है, खर्चा मेरी तरफ से नहीं जाएगा, खर्चा तुम दोनों की तरफ से होगा। मंदिर पर भी हम गए हैं, वो मंदिर कौन सा था? ये मंदिर नहीं था, अच्छा मतलब मंदिर बनाया गया है, अच्छा 2017 में बनाया गया है ये वाला मंदिर। तो ये कोई मतलब बिजनेसमैन थे कोई थे ना, तो उन्होंने अपनी मम्मी के एनिवर्सरी पे बनवाया था, उनकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, अच्छा तो उसी तारीख को बनवाया था। लेकिन ये जो शनि मंदिर की मूर्ति है ना जी, बहुत बढ़िया मूर्ति थी, मजा आ गया था भाई। फोटो अगर फोटो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, ये सैंपल फोटो में लगा रखी है, फोटो बड़ी शानदार थी। ये मूर्ति नहीं शिव में नहीं भाई, ये जो मूर्ति खड़ी है ना ये इसलिए बनाया गया था, ये पूरा गांव था, अच्छा तो लोग ना शनि, हाँ तो कि मतलब शनि मंदिर को कैसे पहुंचेंगे कैसे नहीं पहुंचेंगे, चाहने की दूर दूर तक जाती है जी। तो इस मूर्ति को दूर से देख लेते हैं ना, हाँ तो उन्हें यहाँ तक पहुंचने में बहुत आसानी मिलती है, फिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। अभी जो मंदिर अभी हम जिस मंदिर में जा रहे हैं कोशी किला, क्या मंदिर तो शनिधाम मंदिर, शनिधाम बोलते हैं, कोकिला बन बोलते हैं, अच्छा हाँ। तो वो तो फाइनली दोस्तों श्री शनि देव धाम मंदिर हम आ चुके हैं, मैं खुद पहली बार आया हूँ तो दिखाता हूँ अंदर तक कैसा व्यू है, कैसा नजारा जा रहा हो, कैसे हम जाएंगे। तो सामने तो बोर्ड आपको दिख गया होगा, चलिए अंदर चलते। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले आएगा एक हनुमान जी का मंदिर, ये है हनुमान जी का मंदिर, आइए पास से आपको दर्शन करवा देते हैं। ये रहा हनुमान जी का मंदिर, जय हनुमान जी। चलो भाई कैसा लग रहा है आपको? अरे बस बढ़िया है, वैसे गांव मतलब वैसे ही है, थोड़ा ठीक ठाक अच्छा लग रहा है। बाकी बिहारी लाल की जय। ये तो अभी कंफर्म नहीं कि बाकी बिहारी मंदिर जाएंगे नहीं जाएंगे, बाकी शनि धाम मंदिर, जब हमारे मुंह से मंदिर की बात निकल गई है तो मंदिर तो जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। शानू बारे में आपका क्या कहना है, कि घर जाना है या अभी यहाँ से मथुरा वृंदावन जाना है? तुम्हें पता ही है यार मंदिर के नाम पे मैं पहले भागता हूँ, भागता है मैं जाऊंगा जाएगा। शानू भाई ने बोला वोटिंग होती है 3 दिनों की, एक मैं ही बचाऊँ जो घर जाने की जरूरत है। यार शानू कितनी दूर हमें और जाना पड़ेगा दोनों का रखे हैं। अच्छा यहाँ से वैसे सानू कितनी दूर हो रहा है मंदिर, यहाँ से कौन सा शनि धाम मंदिर है? ये परिक्रमा लगाने के बाद तुम ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम, मैं जरूरत है कि तुम आओ और परिक्रमा लगाओ जी, मैं आप तो बल्कि आप परिक्रमा के बारे में बताएं कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, जैसे हनुमान मंदिर से की मूर्ति से जो बगल में रास्ता जा रहा है वो परिक्रमा का है, और ये पूरा गोल है शानू है, ये मतलब ये पूरा गोल है, यू पूरा गोल है। लेकिन एक सबसे बड़ी गलती पता क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हैं? जब परिक्रमा लगानी चाहिए तो शनिदेव का नाम लेना चाहिए, जय शनि महाराज की। तो दोस्तों जैसे कि शानू भाई ने बोला कि लेना चाहिए, तो उसी तरह से कमेंट बॉक्स में भी शनि महाराज जी का नाम लिखना चाहिए, जय शनिदेव जय शनि महाराज। तो कमेंट बॉक्स में ओम शनि महाराज नमः का जाप अभी जो भी आप कमेंट करें हो सकते हो। तो ये कुछ इस तरह का है, पहले व्यू अच्छा है। वरुण भाई अपना चल रहे हैं, वरुण भाई तेजी में चल रहे हैं, बारिश हल्की हल्की बारिश हो रही है पर मजा भी फूल आ रहा है, तुम पे गुस्सा आ रहा है दोनों पे। जब दोस्तों आप यहाँ पर परिक्रमा करते हो ना तो आपको चप्पे चप्पर पर ना मंदिर मिल जाएंगे, और ऐसी गौशाला भी आपको मिल जाएगी, अगर आपको घसबूत खिलानी हो तो आप खिला सकते हो। तो मतलब कि काफ़ी मंदिर, मतलब काफ़ी ज़्यादा मंदिर मैं देख चुका हूँ अभी तक, काउंटिंग मैंने अभी करी नहीं, लेकिन बहुत सारे मंदिर अभी तक आ चुके हैं, और अभी तक हमारी जो परिक्रमा है वो पूरी नहीं हुई है, अभी भी चल रहे हैं।
तो दोस्तों फाइनली हमने परिक्रमा कंप्लीट कर लिया, तो वरुण कैसा लग रहा है परिक्रमा कंप्लीट करके? बहुत अच्छा लग रहा है, अब मेरे को जैसे हिमांशु नाश्ता कराएगा ना उसके बाद तो एकदम तृप्ति सी आ जाएगी। इनका पूरा ध्यान दोस्तों नाश्ते पे ही है कि कुछ खाया नहीं, क्योंकि हम मंदिर आ रहे थे तो हमने सोचा कि सुबह से व्रत रखेंगे। तो अभी बाबा जी की कसम खा के कह रहा है कि मैं तुम्हें सबको नाश्ता कराऊंगा, पहले से कसम खा रहे। क्या बोल रहे हो, पैसे देते हुए हम इसकी वीडियो बना लेंगे। वीडियो चलो दोस्तों, तीनों दोस्त अपने यहाँ पर चल रहे हैं, पर बारिश भी आप देख सकते हो कि कैसे पूरा शरीर मेरा गीला हो रखा है, पूरा क्वालिटी पे भी अंधेरा हो रखा है, एकदम रात हो गई है, निकले तो दिन में थे पर पूरी रात हो चुकी है। चलिए कोई नहीं, अंदर चलते हैं, आपको भी तो पूरी भक्ति करवाने, दर्शन करवाने, और सामने ही मेन द्वार है, ये दिखा देता हूँ अगर खुल जाए तो। ये देखिए द्वार आपको दिखाई दे रहा होगा, यही हमें जाना है, अंदर पहुँच के आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, अब हम जा रहे हैं शनि महाराज जी के यहाँ पर, सामने हमारा मंदिर है, वहाँ पर करेंगे अब पूजा। मतलब कि यहाँ पर हमने धूपबत्ती जो था धूपबत्ती दी है तो वो हमने दोस्तों यहाँ पर चला दी है, पूजा भी हमने कर ली है, अब जाना है मंदिर पे सामने। ये शानू भाई ने थोड़ा फ्री का जुगाड़ लगाया, शानू भाई ने एक फ्री का जुगाड़ लगाया, शानू भाई दो कदम तो आगे अपने आगे पहुँचा दिया, इसके लिए तो धन्यवाद। सामने मंदिर है, चलिए सामने चलते हैं। शानू भाई ने फ्री का जुगाड़ लगाया, चलिए। ये शानू भाई तो पूरे जुगाड़ू है, शानू भाई तो पूरे जुगाड़ निकले। शनि महाराज का मंदिर तो ये है, शनि महाराज जी का मंदिर, यहीं पर हमें अंदर पूजा करनी है, तो आप कुछ देख लो कि इस तरह है अंदर का मंदिर। चलिए दोस्तों अब मैं भी पूजा कर लूँ, वीडियो तो बहुत बन गई। यहाँ से लोग तेल करते हैं, जय शनि महात्मा जी। तो वहाँ से हमने एग्जिट करा और यहाँ से सामने गेट दूसरा निकला है, यहाँ पर भी आपको प्रसाद मिल जाएगा, यहाँ पे मूर्ति है सामने भगवानों की, यहाँ पर आपको माँ दुर्गा की मूर्ति मिल जाएगी, और यहाँ पर शायद मे भी शनि महाराज की। तो ये है कुछ इस तरह का व्यू, चलिए अब एग्जिट करते हैं, हो गई पूरी पूजा, ऊपर से व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये एकदम शानदार है ना। अब दोस्तों हमारी पूजा कम्प्लीट हो चुकी है और ये है एग्जिट, और यही से होती है हमारी वीडियो खत्म। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।